हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लिपिज किचन। आज आमी हाजिर होयेछी पाका कलार मालपोआर रेसिपी निये। नरम तुलतुले एई पाका कलार मालपोआ खेते किन्तु दारुण टेस्टी हय, मुखे दिलेई एकदम मिलिये जाबे। आशा करछी आपनादेर खूब भालो लागबे। आमार चैनल एखोनो ना सबस्क्राइब करा थाकले चैनलटी सबस्क्राइब करार अनुरोध रइलो। पाका कलार मालपोआ बानानोर जोन्नो एखाने आमी पाँचटा पाका काठाली कला निये निएछी। आपनारा चाइले जे कोनो पाका कला निते पारें, तबे चेष्टा करबें कलागुलो जेन एकटु बेशी पाका हय, ताते करे मालपोआर स्वाद भालो हय। कलार खोसा छाड़िए मिक्सिर जारे निये निएछी, आर एई जारेर मध्ये निये निच्छी मेजारिंग कप दिए मेपे एक कप परिमाण चीनी। चीनी और कला के एक संगे मिसिए एक सुंदर मिश्रण तैरी करे निये छी। तबे आपनारा चाहले हाथ दिए चटके मिश्रणटी तैरी करे निते पारें। एर मध्ये मिसिए दिए छी हाफ कप परिमाण सूजी। सूजी दिए भालो करे मिसिए नेयार पर एर मध्ये मिसिए दिच्छी एक कप और वन फोर्थ कप, टोटाल एक कप और वन फोर्थ कप मयदा आमी मिसिए दिच्छी। मयदा देयार पर मिश्रणटीके भालो करे तैरी करे निते हबे, आर तार जोन्नो अल्प अल्प परिमाण दूध दिए मिश्रणटीके सठिक घनत्वे तैरी करे नेब। दूधटा किन्तु पुरोटा एक संगे देव ना, अल्प अल्प देव आर मिशिए नेब। एभावे एकटा सठिक घनत्वेर मिश्रण तैरी करे मिश्रणटीर घनत्व ठीक केमन हबे सेटाओ आपनादेर देखिए दिच्छी। दूधटा एकसंगे दिले मिश्रणटी बेशी पतलाओ होये जेते पारे, ताई एभावे अल्प अल्प करे दिए मिश्रणटी बानिये निये एर मध्ये दिए दिलाम एक चामच गोटा मौरी आर सामान्य परिमाण एकटु लवण। लवण दिले जे कोनो मिष्टिर स्वादटा बेश तीक्ष्ण हय़, मिष्टिर स्वादटा फिके लागे ना। ढाका दिए प्राय 20 मिनट रेखे दिएछिलाम जाते करे सुजির দানাগুলো सुंदर फुले जाए। देखुन मिश्रणेर घनत्व ठीक एरकम हबे। এবার ভেজে নেয়ার জন্য একটা কড়াইতে রিফাইন্ড অয়েল গরম করে নিয়েছি। একটা হাতা দিয়ে এভাবে গরম তেলে মালপোয়া ছেড়ে দিয়ে ঝাড়া দিয়ে দিয়ে গরম গরম তেল এর উপর ছড়িয়ে দিচ্ছি, যাতে করে মালপোয়া সুন্দর ফুলে যায়। দেখতেই পাচ্ছেন মালপোয়া সুন্দর ফুলে যাচ্ছে একদম বলের মতো হয়ে। মালপোয়া কিন্তু ভাজার সময় অবশ্যই মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে ভাজতে হবে, তাহলে মালপোয়া সুন্দর ফোলা ফোলা তৈরি হবে। এভাবেই সমস্ত মালপোয়াগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি, উল্টে পাল্টে সুন্দর রং আসা পর্যন্ত সমস্ত মালপোয়াগুলো ভেজে তুলে নিচ্ছি। এই মালপোয়া খেতে কিন্তু দারুণ টেস্টি হয়, বানানোও খুব সহজ। আশা করছি আমার আজকের এই পাকা কলার মালপোয়ার রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। যেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।